जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फोरी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ SSC CHSL 10+2 एग्जामिनेशन 2020 के बारे में, इसका एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में आगे आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि SSC CHSL का एप्लीकेशन स्टेटस चेक होना स्टार्ट हो गया है 2 दिन पहले से, लेकिन फ्रेंड्स बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरा चेक नहीं हो रहा है और मेरे स्टेट का नहीं आया। तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कौन कौन से स्टेट के आया हुआ है और स्टेट वाइज आप कहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे और एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो चलिए पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी किसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स SSC CHSL का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा अपने किसी ब्राउज़र के गूगल सर्च बार पर, और यहाँ पे आकर आपको सर्च कर लेना होगा। और जॉब्स फ्री जैसे लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आने के बाद पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे नीचे आएंगे आपको आ जाना होगा नीचे, और यहाँ पर एडमिट कार्ड वाला सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा SSC CHSL 10+2 एग्ज़ाम 2020-21। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके शॉर्ट नोटिस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा एडमिट का डाउनलोड के, और एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। जैसे नीचे आएंगे वैकेंसी डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाएंगे, और इम्पोर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप सभी को पता होगा 27 मार्च से स्टार्ट हुआ था आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक होना, लेकिन फ्रेंड्स कोविड की वजह से ये आपका फाइनल पूरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। कुछ लोगों का एग्ज़ाम हुआ, जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर से जिनका एग्ज़ाम बचा था उनका एप्लीकेशन स्टेटस 22/7/2021 से चेक होना स्टार्ट हो गया है। और काफ़ी लोगों ने अपना चेक कर लिया, काफ़ी लोगों का भी नहीं आया, जैसे UP BR का भी नहीं आया है, सेंट्रल रीजन का। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 4/8/2021 से 12/8/2021 तक एग्ज़ाम चलेगा, और भी पूरी जानकारी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे, 4/8 से 12/8 तक आप एग्ज़ाम देंगे। पेपर 2 का भी जानकारी नहीं दे रखा है। और जैसे नीचे आएंगे आपका जो एडमिट कार्ड है कमिंग सून, बहुत जल्दी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, आप अपना एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रीजन वाइज SSC CHSL एडमिट कार्ड लिंक, और यहाँ पे आपको एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तब एग्जाम सिटी आप यहाँ से जैसे देख पाएंगे KKR रीजन का भी अवेलेबल हो गया है। जैसे आप अवेलेबल नाउ पर क्लिक करेंगे आप इसके पेज पर आएंगे, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ और इस पर टिक करके सिंपली चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेंगे। उसके वजह से नीचे आएंगे नर्सिंग रीजन का भी यहाँ पर भी अवेलेबल सून दिखाया जा रहा है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश का भी अभी अवेलेबल सून दिखाया जा रहा है, इसके जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आया हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन का आ गया। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन का तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप जो आप इस पेज पर आएंगे आपको आ जाना होगा नीचे, नीचे आने के बाद सॉरी ये कुछ एरर आ गया, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे SSC CHSL 10+2 एग्जामिनेशन 2020 टायर फर्स्ट का जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक आ गया। जैसे आप क्लिक एरर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ से अपना रोल नंबर नाम डाल के अपना चेक कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर अवेलेबल भी आपको देखने को मिल जाएगा। और बात कर लो फ्रेंड्स यहाँ पर सेंट्रल रीजन का तो अभी नहीं आया, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख लेंगे। इसका काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर सेंट्रल रीजन का कब आएगा। देखिए अभी कोई अपडेट नहीं आया, जो भी इसके ऑफिशियल साइट पर अपडेट है वो 9 जुलाई 2021 का है। ये अब मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि जिनका नहीं आया कब तक आएगा, तो 1 से 2 दिन में आज रात या कल परसों तक आप सभी का आ जाएगा, आसानी से चेक कर लेंगे, टेंशन ना ले। जैसे आएगा मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा, जैसे पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था तो ये 2 रीजन का बस आया था, यही 2 रीजन का आया था, और बहुत सारे रीजन का आ गया। जैसे इस रीजन का आ गया है यहाँ पे देख पाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी आ गया है, और भी यहाँ पे रीजन ऊपर देखने को मिल जाएगा कि क्या रीजन का आ गया, तो ये सब रीजन का आ गया है। और आप इस रीजन से तो चेक कीजिए, बाकी जिनका अभी अवेलेबल सुन दिखाया जा रहा है ये सब रीजन अभी इनका नहीं है, इनका जैसे आएगा मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो 1 से 2 दिन में आ जाएगा, चिंता ना करें। आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे सर मेरा कब आएगा मेरा कब आएगा मेरा कब आएगा, तो आ जाएगा, आप एप्लीकेशन स्टेटस आसानी से चेक कर पाएंगे। रही बात एडमिट कार्ड डाउनलोड कर, तो एडमिट कार्ड आप 4 दिन पहले एग्जाम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करने में। इसके अलावा आपको मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और जैसे कोई रीजन का और आता है अपडेट मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा, आप आसानी से चेक कर पाएंगे।